हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। इसमें एक वर्ड दिया होता है जिसको एक निश्चित सीरीज कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है, और एक वर्ड और दिया जाता है आपको निकालने के लिए जिसको उसी कोड में बदलना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो शब्द है उसको एक निश्चित कोड में परिवर्तित करके ये लिखा गया। अब आपको एक ऑड वर्ड दिया गया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में लवली को इस शब्द से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ये कहलाता है कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग बनाने के लिए आपको अल्फाबेट्स की कोडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फाबेट को कोडिंग क्या होता है, ए से लेकर जेड तक का कोड देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं जिसका कोड 1 से 26 तक होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, ए का कोड 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जितने उसके क्रम में है संख्याएं वही उनका कोड होता है। ठीक है, एक बार जरूरत पड़ेगी विपरीत अक्षर जब फाइंड करेंगे विपरीत वाली क्वेश्चन में उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, विपरीत अक्षर क्या होती है, ए का विपरीत अक्षर, बी का विपरीत, सी का, डी का, ये सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, विपरीत अक्षर फाइंड आउट करने के लिए, तो विपरीत अक्षर के लिए आपको याद करने के लिए क्या करना है, ए से लेकर आपको एम तक कंटिन्यू लिखना है। ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, अब एन को यहीं से कंटिन्यू करना है, NOPQRSTUVWXY और जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो जो है जस्ट ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे आई का आर है, एच का एस, जी का टी, एफ का यू, ई का वी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड, ये विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, आपस में जो है इनका योग जो है, ठीक है, आपस में इनका योग जो है 27 होता है हमेशा। जैसे इसका कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिएगा ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं और दोनों के जो अंकों का योग हमेशा 27 आएगा। जैसे 13 का एम कितना हो रहा है, विपरीत एम का एन होता है, तो दोनों की यदि संख्या क्या है, एम का 13 और एन का 14, दोनों को जोड़ दे तो 27 हो रहा है। ठीक है, यानी विपरीत अक्षर यदि फाइंड आउट करना है आपको पता है सिर्फ 10 पता है। मैं पूछ दिया जे का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो जे का आपको कितना है पता है, 10, यानी 10 कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 10 में 17 जोड़ेंगे तो 27 होगा। अब देख लेना 17 किसका होता है, तो 17 किसका होता है, क्यू का होता है। ठीक है, यानी जे का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हमेशा जो है आपस में दोनों का अंकों का योग क्या होता है, विपरीत अक्षर का 27 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है आपको, यदि छोटा डेटा दिया है जैसे जी दिया है, जी का कोड आपको याद करना है। ठीक है, तो आप तो हाथ में काउंट कर सकते हो, जैसे कि ABCDEFG, यानी कितना आ गया आपका, 7 आ गया। लेकिन यदि इधर का कहीं जल्दी जल्दी आपको कोडिंग निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है, ई ज्योति, ये जो है याद करना पड़ेगा। जैसे ई का 5 होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। ठीक है,
जे का कितना 10, ओ का 15, टी का 20, 5-5 का गैप होता है सब में, ठीक है, और ये 25, ये जोटी में ये सब में 5-5 का गैप रहता है, ये याद करने के लिए, ठीक है। जैसे बीच का आपको याद करना है, जैसे क्यू का याद करना है, ठीक है। तो ई जोटी लिख लो सीधा, ओ का कितना होता है 15 बीच का, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू, तो 15 तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो आपको ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि क्वेश्चन में जल्दी आपको कोडिंग याद करनी है तो, ये बहुत अच्छी चीज है ई जोटी। और ये जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बुक में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, परफेक्ट रीजनिंग के बुक में। तो यदि आपके पास नहीं है तो परचेस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रोसेस उसमें दिया गया है। अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये चेक करेंगे कि ये जो लवली है उसको जो है ये कन्वर्ट होके ये कैसे बना, ठीक है। तो पहले लवली लिख लेना है आपको, लवली, और नीचे में जो कन्वर्ट करके दिया गया है जो उसको लिखना है MPWFMZ, ठीक है। अब देखो एल का एम कैसे हुआ, एक सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है। ओ का भी क्या हो रहा है, पी बढ़ रहा है, वी का भी डब्लू, ए का एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ई का एफ हो रहा है, सब में एक एक बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अग्रगामी क्रम पद्धति। लेकिन क्वेश्चन में आपका अग्रगामी क्रम पद्धति नहीं दिया रहेगा, ये आपको फाइंड करना है कि कितने की कमी हो रही है, एल जो है अगला जो भी कोडिंग रहेगा वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक एक की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन में बी लेफ्ट का पूछा गया है तो सेम उसमें भी क्या करेंगे, एक एक अंक आपको बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे कि बी दिया है एल का एम हो रहा था, उसी प्रकार बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद L का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, V का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और E का F, और D के बाद क्या आता है, E आता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ई टी एम बी एस एच एन एम लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, फंक्शन को क्या लिखा गया है, ई टी एम बी एस एच एन एम, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं एफ का ई कैसे हुआ, एक की कमी हो रही है, यू में भी एक कम करेंगे टी हो जाएगा, ठीक है, एम के बाद एन आता है, यानी एक कम हो रहा है, यहाँ पे भी एन एम, एन जो है एम हो जा रहा है, सी जो है बी हो जा रहा है, यानी इस सीरीज में सब में एक एक कम हो रहा है। तो दिया हुआ में जो क्या दिया हुआ है, कैलकुलस का क्या हो जाएगा, एक एक कम कर दो, सी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब एक ए में क्या चीज कम करेंगे, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए के पहले क्या आता है, जेड, सीरीज चलते जाती है ना, ए टू जेड, जेड जेड से फिर ए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए के पहले जेड लेना है आपको, ठीक है। एल के पहले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, सी के पहले बी हो जाएगा, और यू के पहले टी हो जाएगा, ठीक है। एल के पहले के हो जाएगा क्योंकि के एल आता है, ठीक है। ए के पहले फिर जेड हो जाएगा, और एस के पहले क्या आता है, आर आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी उसी सांकेतिक भाषा में उसी कोड में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा, बी जेड के बी टी के जेड आर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हुआ, एक की कमी हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पश्चगामी, बैकवर्ड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि यहाँ पे आगे बढ़ रहा है एक सीरीज या घट रहा है, ठीक है। अब विपरीत क्रम अक्षर, अभी विपरीत जो पढ़े थे वो यहाँ पे काम आया, ठीक है। विपरीत अक्षर फाइंड कैसे करते हैं, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को एन एल डब्ल्यू वी आई एम कहा जाता है, ठीक है, एम ओ डी ई आर एन को क्या कहा गया है, एन एल डब्ल्यू वी आई एम कहा गया है, ठीक है। तो देखो यहां पे दिमाग दौड़ाना है, सबसे पहले चेक करना एम का एन कैसा हुआ, तो यहां पे लग रहा है कि एक की वृद्धि हो रही है, यानी पश्चगामी,
तो आगे का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यदि इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए सीरीज आगे का। ओ का एल हो रहा है, एम एन ओ के बाद पी, पी आता है ओ के बाद, ठीक है, यानी अग्रगामी नहीं है, ठीक है, अग्रगामी नहीं है तो आगे आपको नहीं सोचना है, ठीक है। पश्चगामी भी नहीं है, ठीक है, या तो मिश्रित तो हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, या विपरीत क्रम अक्षर हो सकता है, ठीक है। तो विपरीत में चेक करना है तो एम का एन होता है, ठीक है। अब ई जो आई आपका काम दे गया यहाँ पे, जो याद किए थे 5, 10, 15, 20 और ये 25 होता है, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा, देखो एम का 13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एम एन ओ होता है, जब ओ का 15 है तो 15 में दो कम करते हैं, यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा 13 हो रहा है, ठीक है। ओ का यहाँ पे लिख लिया कितना होता है 15 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है ABCD, ई का कितना होता है 5 होता है, आर का कैसे निकालेंगे PQRST टी वाले में, यहाँ टी का 20 होता है, आर का कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। एन का कितना हो जाएगा MNO यानी 14 हो जाएगा, O का 15 है तो एक कम, ठीक है, 14 हो जाएगा। ये यहीं पे काम आता है, ठीक है, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता है चार्ट वगैरह। तो अब देखो ये 13 है तो विपरीत में क्या जरूरत पड़ता है, दोनों का योग 27 होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एन का कितना होता है, एन का 14 होता है, क्योंकि एम के बाद ही आता है, एम का 13 है तो एन का 14, यानी 13 और 14 को जोड़ें 27 हो रहा है, यानी विपरीत क्रम में बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब एक और चेक कर लेते हैं, ओ का 15 हो रहा है, यानी 15 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा आपका, 7, 5, 12 जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो एल का 12 होता है क्या, एल का, हाँ एल का 12 होता है, ठीक है, यानी कि ये विपरीत क्रम में, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रॉपर को क्या है विपरीत क्रम में निकाल लेंगे इसका, ठीक है। देखो आर का कितना होता है PQRST यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक, सॉरी यहां पे P है, प्रॉपर मैं R लिख दिया हूं, ठीक है, P है यहां पे, P का क्या होता है 16 होता है, ठीक है, R का 18 होता है, ठीक है, और MNO O का 15 होता है, PQR ST PQR MNO P O O का 15 है तो क्या हो जाएगा, P का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 16 में कितना जोड़े हैं तो जो है 27 हो जाए विपरीत क्रम मिलाने के लिए, तो 11 जोड़ेंगे, 11 किसका होता है J के बाद K आता है, यानी J का 10 है तो क्या हो जाएगा K का 11, तो इसका K हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार R का 18 है, 18 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, 9 जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो 9 किसका होता है IJ, ठीक है, जे के पहले आता है, जब जे का 10 है तो उसका क्या हो जाएगा 9 किसका हो जाएगा आई का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 कितना जोड़ 12, तो 12 किसका होता है एल का होता है, यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, और फिर पी आ गया, पी का यहाँ पे निकाल चुके हैं तो के ही आएगा, ठीक है। 5 ई का 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा 22 किसका होता है टी के बाद, टी जब 20 का है तो क्या हो जाएगा PQRST UV यानी V आ जाएगा, V जो है 22 का होता है, और R का निकाल चुके हैं, R का अपोजिट क्या होता है I होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा यदि विपरीत अक्षर निकालना है तो। अगला देखते हैं क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है। अब क्रॉस लेटर पैटर्न क्या होती है उसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोल्जर को VPITQDC के लिखा जाता है तो उसी भाषा में मॉर्निंग्स को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। सोल्जर, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है VPITQDCK, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करने, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट पता नहीं चल गया, यहाँ पे लिख दिए हैं तो पता चल जा रहा है कि क्रॉस लेटर टर्म होगा, ठीक है। सबसे पहले देखना है अग्रगामी पश्चगामी है, नहीं बनेगा तो ये पैटर्न जो है ट्राई करना है क्रॉस लेटर। इसमें क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो क्रॉस फॉर्म में रहता है, जैसे कि सी के बाद अग्रगामी डी, यहाँ पे मार रहा है सी और डी ई डी मार रहा है, ठीक है, डी ई,
यानी एक ज्यादा हो रहा है नीचे वाले से, डी ऊपर में है, डी का क्या हो जा रहा है सी हो रहा है क्रॉस में, एक कम हो रहा है, ई का डी हो जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार एल के, ठीक है, एल के हो रहा है, यहाँ पे आर जो है क्यू हो जा रहा है, ठीक है, एक कम हो रहा है, जस्ट चार का बन रहा है, मतलब आठ अंक है तो चार इधर का बनेगा, मतलब ये सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक बनता है क्रॉस में तो दूसरा साइड भी वही बन जाता है, ठीक है। बीच में यदि लेटर छूटा है का तो एक छोड़ के, जैसे नौ लेटर है तो चार का यदि बन रहा है तो चार इधर का बनना निश्चित रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा, तो इसी फॉर्मेट में मॉर्निंग का निकाल लेते हैं, मॉर्निंग्स। देखो एम का ये चौथे वाले जगह में जाएगा क्रॉस, इस एन का यहां पे आएगा, ओ का यहां पे आएगा, आर का यहां पे आएगा, ठीक है। तो एक कम हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो एम का एक कम कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एन का एक कम क्या हो जाएगा, यहां पे ओ हो जाएगा, ओ में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे पी हो जाएगा, ठीक है। आर में एक कम करेंगे तो एस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे भी बनेगा, आई का एक कम होकर यहां पे आ जाएगा, एस का एक कम होकर यहां पे, एन का यहां पे आएगा और जी का एक कम होकर यहां पे, ठीक है। यहां पे जो है पश्चगामी हो रही है, यानी एक घट रही है लेकिन क्रॉस क्रॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो एस का क्या हो जाएगा, यहां पे एक कम होकर आर हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है, और जी का एफ हो जाएगा, इनमें कम एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये वर्ड्स जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्रॉस लेटर इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति में क्या होता है, क्वेश्चन ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट्स को ओ सी आर वी एन एम लिखा जाए, ठीक है, क्या चीज को, रिजल्ट को ओ सी आर वी एन और एम लिखा जाए, ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा, किसको, इरेजर, ठीक है। तो मिश्रित पद्धति में क्या होता है, उसमें अग्र पश्च यानी संख्याओं का कम होना और तुरंत फिर पुनः एक एक निश्चित सीरीज के बाद क्या होता है, संख्याएं बढ़ने लगती है, ये मिश्रित रूप से पाया जाता है। अभी जो पैटर्न पाए हैं वो सब इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तो देखो आर का क्या हो जा रहा है, आर का ओ हो रहा है, यानी कि माइनस तीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ई का जो है क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, ठीक है, तो सी ए बी सी डी ई यानी कि माइनस दो, ठीक है, माइनस दो के बाद आ रहा है। और एस का आर हो जा रहा है, यानी माइनस एक पी क्यू आर एस, एक बीच में गैप हो रहा है, ठीक है, तो माइनस वन हो जा रहा है, ठीक है। यू वी, यू का वी हो जा रहा है यानी प्लस वन हो रहा है, एल का एन हो जा रहा है यानी प्लस टू हो रहा है, टी का एम हो जा रहा है यानी प्लस थ्री हो जा रहा है, सेम इसमें भी करना है, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था, माइनस थ्री हुआ था, ठीक है, इसमें भी माइनस थ्री कर देते हैं ई में, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। ई से उल्टा लिखना है, ए डी ई सी बी, ठीक है, माइनस तीन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे, ठीक है, ई के बाद एक दो तीन, ठीक है, बी आ जाएगा। फिर माइनस दो हो रहा है, ठीक है, आर में जो है माइनस दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी क्यू आर में जो है माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, तो जेड हो जाएगा, ठीक है। एस में एक एक्स्ट्रा करेंगे, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, टी हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, ई में दो एक्स्ट्रा कर देंगे, ई एफ जी यानी जी हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री करेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहे कुछ पैटर्न्स जो थे इसमें, अभी बहुत सारे पैटर्न्स बचे हुए हैं, क्योंकि एक वीडियो में सभी पैटर्न्स को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।